देश में कपास की खेती करीब 1.2 करोड़ हेक्टेयर में होती है। भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। बोलगार्ड टेक्नोलॉजी के आरंभ होने से पहले कपास में कीटों का नियंत्रण करना अत्यंत मुश्किल काम था। अमेरिकन इल्ली, गुलाबी इल्ली और चितकबरी इल्ली प्रमुख कीट थे, जिनके कारण 30-80% तक उपज की हानि होती थी। गुलाबी इल्ली कपास के सबसे विनाशकारी कीटों में से एक है और ये स्क्वायर, कलियां और डेंडुओं को नुकसान पहुंचाता है। नुकसानग्रस्त कलियां और अपरिपक्व डेंडू गिर जाते हैं। डेंडू के विकसित होते समय लार्वा का प्रवेश छिद्र बंद हो जाता है। लार्वा डेंडू के अंदर बीजों को खाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेशों को नुकसान होने के साथ ही कपास की गुणवत्ता का गंभीर नुकसान होता है। शुरुआती अवस्था में एक बार लार्वा डेंडू में घुस जाए तो किसी भी कीटनाशक से इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। गुलाबी इल्ली का प्रभावी नियंत्रण करने और लंबे समय तक टेक्नोलॉजी को बनाए रखने के लिए कुछ पद्धतियों को अपनाना जरूरी है। रिफ्यूज की बुवाई। बोलगार्ड दो खेतों के चारों तरफ नॉन बीटी बीजों को बोने की सिफारिश भारत सरकार ने की है। 450 ग्राम बोलगार्ड पैकेट के साथ 120 ग्राम नॉन बीटी रिफ्यूज बीज पैकेट दिया जाता है। गुलाबी इल्ली की प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करने हेतु खेत के चारों ओर रिफ्यूज की बुआई करें, ताकि वर्तमान टेक्नोलॉजी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। भविष्य में दरेक खेडों ने मारी भलामण है कि फेरोमोन ट्रैप शुरुआत ना पीरियड से जरा फूल चापका बेसे नहीं ये पहला से लगाड़ी शुरू करे फर्स्टी नॉन बीटी जे कंपनी द्वारा भलामण करवानो आवे छे ई ओळो अने रोपणी करे व्यवस्थित खेती करे तो ज आगळनो भविष्य उज्ज्वल रहेशे। फेरोमोन ट्रैप के उपयोग से इल्लियों की जनसंख्या पर निगाह रखी जा सकती है। गुलाबी इल्ली की संख्या पर निगाह रखने के लिए 2-3 फेनिल ट्रैप प्रति एकड़ लगाएं। फेनिल ट्रैप में विशिष्ट फेरोमोन होते हैं, जो आसपास से नर कीटों को आकर्षित करते हैं और वो ट्रैप में फंस जाते हैं। ट्रैप की ऊंचाई फसल की ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए और फसल की वृद्धि के साथ इससे ऊंचा किया जाना चाहिए। हर 7वें दिन पर प्रति ट्रैप कीटों की संख्या और एक एकड़ खेत में 3 ट्रैप की औसत संख्या